सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो 4925 BS6, क्योंकि ये गाड़ी 6 एक्सल में टाटा की तरफ से निकाली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो 4925 BS6, क्योंकि ये गाड़ी 6 एक्सल में टाटा की तरफ से निकाली हुई है। 49 टन की यहाँ पर GVW गाड़ी दे रही है कस्टमर्स को और फुल डिटेल व्यू हम इस गाड़ी का देने वाले हैं। क्या इसकी वैल्यूएबल फीचर्स रहते हैं, क्या इसमें एग्रीगेट्स हैं और क्या इसकी चेसिस है और चेसिस कितने प्रकार की आती है, हर एक चीज़ डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम गाड़ी के फ्रंट फेशिया की बात करें तो दो प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पर साथ में मिल जाते हैं। काउल मॉडल भी यहाँ पर देख सकते हो और साथ में सिग्ना कैबिन भी आपको साथ में मिल रहा है। और थोड़ी सी कस्टमर्स को ये दिक्कत है कि जो डैशबोर्ड है वो चेंज कर दिया है BS6 में। BS4 में ओल्ड डैशबोर्ड आ रहा था, वो क्यों किया, क्योंकि इस गाड़ी में 6.7 लीटर इंजन है, पहले के मुकाबले बड़ा इंजन है और 250 हॉर्स पावर है। पहले 230 हॉर्स पावर का इंजन था, तो इस वजह से ये इंजन टोटली चेंज करना पड़ा। जो SCR सिस्टम टाटा क्यूमिंग्स का यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो भी साथ में इसी इंजन डैशबोर्ड में आपको फिट होगा, उस डैशबोर्ड में वो फिट ही नहीं हो पाता था। तो बड़ा एक आपको हैवी डैशबोर्ड चाहिए था, क्योंकि हैवी गाड़ी है ये। 49 टन की यहाँ पर GVW आपको यहाँ पर साथ में मिल देती है। और साथ में अगर हम बात करें फ्रंट फेशिया, आपको यहाँ पर देख सकते हो वाइट कलर का यहाँ पर आपको काउल मॉडल यहाँ पर मिलता है, ग्रेश कलर के यहाँ पर प्लास्टिक के यहाँ पर आगे मैट्स मिल जाते हैं। ये थोड़ी सी बात और लगती है, इसको टाटा को चेंज करना चाहिए, लोहे के देने चाहिए, क्योंकि हम अभी तो हम यहाँ पर पेंट कर उसको मैचिंग करवा देते हैं कैबिन के साथ काउल में। और BS6 की यहाँ पर बैजिंग है, साथ में यहाँ पर इंडिकेटर्स कोई प्लेस नहीं मिलते डैशबोर्ड में, इंडिकेटर्स नीचे दिए हुए हैं। और तीन तरह का यहाँ पर आपको, तीन पार्ट्स में यहाँ पर आपको फ्रंट बम्पर मिलने वाला है। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर मान के लिए इस साइड बम्पर लगता है तो टोटल बम्पर नहीं चेंज करना पड़ेगा आपको, एक ही पीस आपको साइड का अलग मिल जाता है, या फ्रंट का हो गया सेंटर वाला, आप एक ही बम्पर अलग चला जाए, उसके आपकी कॉस्ट ऑफ कटिंग है वो कम हो जाती है। और साथ में यहाँ पर आपको जो नीचे वाला बम्पर है वो बहुत ही हैवी है, टाटा का सबसे हैवी बम्पर आपको साथ में मिलता है। और अगर हम गाड़ी की फ्रंट शो की बात करें तो यहाँ पर देखो जाली हम उठा रहे हैं, अपने हिसाब से गाड़ी यहाँ पर लिफ्ट कर सकते हो। यहीं पर आपको पाइप का स्टैंड भी मिल जाता है, यहाँ से आराम से यहाँ पर मैं गाड़ी में नीचे यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और यहीं पर देख सकते हो आप, वाटर बॉडी दी हुई है, रेडिएटर, इंटीकूलर, यहाँ पर सारी हाउस पाइपिंग यहाँ पर क्लीन एंड वियरिंग पाइप दी हुई है, बिल्कुल साथ में अटैच दी है, किसी भी गाड़ी यहाँ पर क्लिपिंग बहुत ही अच्छी तरह से की हुई है। और इस गाड़ी में यहाँ पर देख दो वाटर जेट्स की यहाँ पर बोटर भी लगे काउल मॉडल में, तो वो जब हम गाड़ी बनाएंगे तब आपको जब वीडियो डालेंगे तो आपको हम वाटर जेट्स के साथ हम वीडियो बनाने वाले हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी और बात, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं वो सिंगल लाइट्स दी हुई हैं, हेडलाइट्स साथ में इंडिकेटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है दोनों ही साइड, यहाँ पर आप हेडलाइट्स आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा एयर की इनटेक भी दी हुई है, वो चेंज हो जाती है, उसका जाली लग जाती है, वो जाली निकलकर हेडलाइट आसानी से यहाँ पर साथ में लग जाती है। मेन बात आ जाती है अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पर देखते हो जो डैशबोर्ड है काफ़ी हैवी बनाया हुआ, लिफ्ट किया हुआ है। जब हम कैबिन बनाएंगे तो 4 इंची यहाँ से हमको डाउनिंग देनी पड़ेगी डैशबोर्ड को, कटिंग कर डैशबोर्ड की डाउनिंग देने, और आराम से यहाँ पर 2 फुटस्टेप आपको यहाँ पर साथ में मिलते हैं चढ़ने के लिए, ऊपर हेल्प रहे। और यहीं पर देख दो ABC एसेसरी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर टोटली इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर है इस गाड़ी का। और साथ में अगर ब्रेक्स की बात करें तो BS4 के मुकाबले BS6 में 40% आपको बड़ा ब्रेक चैम्बर है, बड़े ब्रेक लेदर्स आपको साथ में दिए हुए हैं, तो एफिशिएंसी 40% BS4 के मुकाबले पहले से ज़्यादा कर दिए टाटा ने। और साथ में जो क्लच दिया हुआ है वो 430 mm डाई का यहाँ पर आपको क्लच मिलेगा, सिंगल प्लेटेड है और ड्राई फ्रिक्शन के साथ आपको ये हैवी क्लच आपको यहाँ पर साथ में मिलेगा। और जो वियरिंग है वो बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की। और इसी प्रकार से क्लच के साथ अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, G150G का आपको गियर बॉक्स साथ में मिल रहा है, 8 गियर आपको यहाँ पर आगे की तरफ मैनुअल मिल रहा है, एक रिवर्स गियर भी मिल रहा है और साथ में एक क्रॉलर गियर भी आपको यहाँ पर साथ में मिल रहा है। और यहीं पर मेन बात आ जाती है गाड़ी की 49 टन की पासिंग किस प्रकार से है, 6 एक्सल है गाड़ी में, यहाँ पर देखो 6 एक्सल है और
सिंगल सिंगल टायर में दो लिफ्ट दी हुई हैं, एक सेंटर में लिफ्ट दी हुई है और उसके बाद पीछे भी लिफ्ट दी हुई है। सबसे पहले फ्रंट एक्सल की बात करें तो टाटा का हैवी ड्यूटी 7 टन रिवर्स इलियट टाइप आपको फ्रंट एक्सल, उसके बाद दूसरा एक्सल भी आपको वही एक्सल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और तीसरा एक्सल सेम एक्सल है बट वो लिफ्ट टायर में दिया हुआ है, लिफ्ट होता है। और साथ में आ जाता है जो मेन एक्सल है वो RA110HD टाटा का बहुत ही हैवी एक्सल, वो साथ में मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है डमी एक्सल, फिर आ जाता है लास्ट एक्सल 6 एक्सल, ये भी लिफ्ट एक्सल दिया हुआ है। और साथ में जो एक्सल का है वो टाटा का हैवी ड्यूटी 7 टन रिवर्स इलियट टाइप आपको ये एक्सल मिलने वाला है। इस गाड़ी में आपको जो ट्रक हब यूनिट है, व्हील बेयरिंग्स जो साथ में दिए हुए हैं, वो 5 लाख किलोमीटर तक आपको ग्रीस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा आपकी यहाँ पर सेविंग होने वाली है और गाड़ी आपकी ज़्यादा टाइम रोड पर रहेगी। और जो टायर्स इस गाड़ी में आ रहे हैं वो 295/90R20 के यहाँ पर टायर्स आपको साथ में आ रहे हैं। गाड़ी की अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको 3.5+ की माइलेज आपको आराम से गाड़ी 250 हॉर्स पावर का आपको इंजन साथ में दे देती है अंडर रेटेड लोड में यहाँ पर। और ओवर रेटेड लोड की बात करें तो आपको माइलेज आपके चलाने के डिपेंड करता है, आप कैसे किस रोड पर आप सरफेस पर गाड़ी चला रहे हैं उस हिसाब से ओवररेटेड माइलेज आपको, ओवररेटेड रोड में आपको माइलेज यहाँ पर साथ में मिलने वाली है। और अगर हम गाड़ी के प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का जो प्राइस जो कस्टमर को ये गाड़ी पड़ी है वो 38 लाख की ये गाड़ी पड़ी है, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अंडररेटेड लोड के लिए बेस्ट गाड़ी है मैं आपको बता रहा हूँ, और टैंकर एप्लीकेशन की बहुत बेस्ट गाड़ी है। मेन बात आ जाती है सस्पेंशन की, 6 एक्सल हैं, 6 एक्सल में आपको कौन सी सस्पेंशन मिल जाती है। पीछे जो सस्पेंशन है वो एयर सस्पेंशन दी हुई है, TVS के यहाँ पर एयर स्प्रिंग्स यहाँ पर साथ में यहाँ पर बैजिंग हुई है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और अगर हम साथ में बात करें यहाँ पर डमी टायर और मेन टायर जो ड्रिवन शाफ्ट है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हो सेमी इलिप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर साथ में मिल जाती है, और मेन टायर में भी आपको यही आपको सस्पेंशन मिल जाती है। और साथ में यहाँ पर जो आपका पीछे से 4th एक्सल है यहाँ पर भी आपको एयर सस्पेंशन में लिफ्ट टायर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट दोनों ही पहला एक्सल और दूसरा एक्सल के आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर साथ में मिल जाती है, बहुत ही हैवी दी हुई है। और पहले BS4 में थोड़ा सा डाउन था, अभी काफ़ी हैवी दे दिया है साथ में। और यहीं पर आ जाता है क्यूमिंग्स का यहाँ पर 65 लीटर का AdBlue टैंक दिया हुआ है। ये गाड़ी जो इमिशन नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, SCR सिस्टम और SCR हो गया आपका, DPF हो गया, DOC और अमॉक्स को ये फॉलो करकर BS6 को ये गाड़ी टाटा ने ये तैयार की है। उसके बाद 300 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको डीजल टैंक भी आ रहा है, और प्लास्टिक पॉलीमर का ये डीजल टैंक है, बहुत ही हैवी है। लोहे से इसकी कैसे कंपैरेटिव बढ़िया है, अगर लोहे का यहाँ पर लग जाता है तो वो लीक हो जाता है एक साथ के साथ, तो ये लीकेज की कोई टेंशन नहीं है आपको। अगर वो लगेगा जैसे बम्पर गाड़ी का अंदर चला जाता है वैसे ही प्लास्टिक का, ये फ़ायदा सबसे बड़ा रहता है, और लाइट वेट भी रहता है और अंदर जंग नहीं लगती, ये भी ऑप्शन चीज़ आती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटी फ्यूल थेफ्ट सिस्टम भी आपको साथ में मिल जाता है, उसके बारे में आप टाटा की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी आपका कितना डीजल गाड़ी में डला, कब डला और कितना गाड़ी का डीजल चोरी हुआ, वो सारी ही आपको यहाँ पर आपके मोबाइल पर इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। और उसके बाद साथ में यहाँ पर देखते हो पंप भी दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर पंप दिया बाहर निकाला हुआ है, पहले इंजन में अंदर हो रहा था पुराने जमाने में, तो अभी बाहर निकाल दिया है, बहुत ही अच्छी बात हो चुकी है ये। और मेन बात आ ये है TKU बॉक्स, TKU यहाँ पर डाल सकते हो आप आसानी, जब हम बॉडी डालेंगे तो नीचे से यहाँ पर बॉक्स हम बना देते हैं, यहाँ पर आप TKU बॉक्स को यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो। और यहीं पर अगर स्टेयरिंग की बात करें तो प्रेशर पावर स्टेयरिंग इस गाड़ी में यहाँ पर आपको मिल रहा है, जराने कंपनी का आपको स्टेयरिंग बॉक्स आ रहा है, बहुत ही हैवी है, और ZF का भी आता है, दोनों ही कंपनियां का साथ टाटा आपको प्रोडक्शन में साथ में देती है। और मेन बात आ जाती है गाड़ी की चेसिस की, गाड़ी की चेसिस सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, अगर कोई भी गाड़ी आपने हैवी लोड पर या अंडररेटेड लोड पर चलानी है चेसिस का सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट है, उसी पर यहाँ पर आपकी सारे जो एक्सल्स टिके होते हैं उसी पर बॉडी वेट टिका होता है, उसी पर आप जो लोड डालेंगे वो भी उसी पर टिका होता है। तो इस गाड़ी में यहाँ पर लैडर टाइप फ्रेम बना हुआ है, और मेन बात है क्रॉस मेंबर्स, गाड़ी में बहुत ही हैवी क्रॉस मेंबर्स पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं। और जो भी यहाँ पर वायरिंग है वो देख सकते हो आप, सारी प्रेशर वायरिंग या इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग वो कपल के साथ यहाँ पर साथ में दी हुई है, कोई भी आपको अलग पार्ट नहीं नज़र आएगा। जो चेसिस की मोटाई है
वो सबसे मेन हो जाती है। छोटी छोटी बातों का टाटा ने बहुत ध्यान, पहले 7 mm की थिकनेस थी, अभी जो थिकनेस आ रही है वो 8.5 mm की थिकनेस कर दी है, क्योंकि 49 टन पर ये गाड़ी लोड करनी है, और 65 mm की फ्लैंग लेंथ है और 285 mm की यहाँ पर डेप्थ दी हुई गाड़ी में, बहुत ही हैवी चेसिस 7 mm बना दिया है। मेन बात आ रही है, जब हम गाड़ी की बॉडी बिल्ड करते हैं तो हमको जो प्रेशर टैंकीज होती हैं जहाँ आपका यहाँ पर बैटरीज होती हैं वो थोड़ी सी दिक्कत देती हैं, क्योंकि एड़ुए होते हैं जो बीम्स होते हैं आई सेक्शन, वो हमको काटने पड़ते हैं, तो उसमें जब हम काटेंगे तो यहाँ पर मजबूती कम आ जाती है। तो यहाँ पर टोटली जो प्रेशर टैंकी हैं वो सेंटर में दी हुई हैं यहाँ पर जो, और प्रेशर टैंकी भी ज़्यादा दी हुई है, और इस गाड़ी में जो एयर कंप्रेसर है वो भी बड़ा दिया, क्योंकि ज़्यादा बैलून यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 बैलून लगे हुए हैं जो टायर को लिफ्ट, 2 लिफ्ट दी हुई हैं इस गाड़ी में सिंगल सिंगल की, और साथ में इस गाड़ी में जो लोडिंग स्पैन आ रहा है वो 30 फिट और 32 फिट का लोडिंग स्पैन आ रहा है, और जो इस गाड़ी का लोडिंग स्पैन है वो 32 फिट में आपको ये गाड़ी हम दिखा रहे हैं, और उसका स्पेयर टायर सेंटर में दिया हुआ है, आप कनेक्टर साइड से स्पेयर टायर आसानी से यहाँ पर खोल सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स आपको यहाँ पर साथ में मिल जाते हैं दोनों ही तरफ, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के LED टेल लैंप्स आपको साथ में आ रहे हैं, और यहीं पर आपको देख दो पार्किंग बजर साथ में दिए हुए हैं, 5 बजर्स आपको साथ में दिए हुए हैं, जब भी आप इनके डिटेक्ट में आएंगे पीछे तो आपको साथ साथ ड्राइवर को ये बजर शो करेगा, आप इनकी रीच में आ जाएंगे तो आपको ड्राइवर को पता चल जाएगा कि मेरे गाड़ी के पीछे कोई है। और मेन बात आ जा रही है, गाड़ी में जब हम बॉडी बिल्ड करते हैं जो प्रेशर टैंकी हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत देती है, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर टैंकी है वो सेंटर में दी हुई है, काफ़ी यहाँ पर इनोवेटिव काम किया हुआ है चेसिस, क्योंकि चेसिस अंदर से खाली होती है, लेडर टाइप फ्रेम है तो आसानी से यहाँ पर चेसिस के अंदर प्रेशर टैंकीज आ जाती हैं, उसकी जो प्लेसमेंट है वो सही ढंग से यहाँ पर कंपनी हमको करवा कर दे रही है, और जो मेन टायर है जो स्पेयर टायर है वो यहाँ पर देते हो, इसी साइड से यहाँ पर ऑपरेशन है, 2 बोल्ट लगे हुए हैं, आप आसानी से यहाँ पर उसको अप एंड डाउन आसानी से आप यूज़ में ले सकते हो, और यहाँ पर आगे देख सकते हो आप जो भी यहाँ पर क्रॉस मेंबर हैं उन पे यहाँ पर रिवेटिंग का काम साइड से और बोल्टिंग का काम ऊपर से यहाँ पर किया हुआ है, हैवी काम है। और मेन बात आ जा रही है, इस गाड़ी में 24 बोल्ट का यहाँ पर गाड़ी में करंट है, 12 बोल्ट के 2 बैटरीज है, साथ में यहाँ पर कट ऑफ स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, फ्यूज़ बॉक्स के लिए यहाँ पर आपको फ्यूज़ बॉक्स मिल रहा है, और SCR सिस्टम की हम बात कर रहे थे, SCR सिस्टम बिल्कुल साइड पर प्लेस किया है, थोड़ी सी दिक्कत है ये काफ़ी लिफ्ट किया हुआ है, और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम है, पर ये जो ऊपर वाली जाली है हम खोल देते हैं इसलिए नट बोल्ट द्वारा लग जाते हैं और बॉडी आसानी से यहाँ पर रखी जाती है, और बैटरी को हम अंदर नहीं रख पाते क्योंकि ये इसका जो टेम्परेचर है वो 800 से 850 डिग्री टेम्परेचर पर जाता है जब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर ये जो पाइप दिया हुआ है साइलेंसर पाइप है ये गर्म हो जाता है, तो इस वजह से बैटरी हमको यहीं पर प्लेस करनी पड़ती है। साथ में एयर क्लीनर यहाँ पर दे दिया है, पहले BS4 में ऊपर आता तो यहाँ पर साइड में दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है जैसे गाड़ी चलेगी तो सारे जो टायर की जो धूल मिट्टी है वो सारी यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हमको एक अलग हम काम करते हैं, यहाँ पर हम मैट लगा देते हैं, पूरा ही मैट के साथ कवरिंग करते हैं ताकि एयर क्लीनर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ही अलग हो पाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर डैशबोर्ड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्या क्या आपको नए फीचर्स मिलने वाले हैं, तो चलिए हम डैशबोर्ड पर आपको मिलते हैं। जो गाड़ी के जो कंट्रोल्स हैं वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तौर पर हमको यहाँ पर देखने मिल जाए, और साइड स्विचेस है वो सारी जानकारी आपको साथ में देने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 3 तरह के यहाँ पर मोड मिल रहे हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। ये फ्यूल इकोनॉमी के मोड है, आप जिस हिसाब से आप गाड़ी लोड लेकर जा रहे हो तो उस हिसाब से यहाँ पर लाइट मोड के लिए यहाँ पर लाइट स्विच है खाली गाड़ी के लिए, लोड गाड़ी के लिए हैवी यहाँ पर स्लो पर चल रहे हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस भी यहाँ पर साथ में दी हुई है, ABS ब्रेक्स के आपको यहाँ पर, और फ्रंट एक्सल रियर एक्सल उठाने में यहाँ पर आपको इंजन लाइट्स की यहाँ पर देख दिया है, और साथ में यहाँ पर हिल स्टार्ट का यहाँ पर स्विच भी दिया हुआ है। अगर क्या होता है मेनली अगर आपकी गाड़ी उस पर खड़ी है फ्लाईओवर पर खड़ी है और उसके बाद आपकी गाड़ी थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है फ्लाईओवर चढ़ने के पहले ही, तो पीछे कोई गाड़ी आ गई, उसके बाद क्या होता है आप गाड़ी जब बंद कर फिर से जब स्टार्ट करें तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे आती है, तो वो प्रॉब्लम अगर आप फेस नहीं करना चाहते तो आप हिल स्टार्ट का फंक्शन 8 एक बार दबाना बटन तो आपको 4 सेकंड का टाइम मिल जाता है, तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी तो वो गाड़ी आपकी आगे में धकेल देगा और आपका एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। और मेन बात है इस गाड़ी में जो स्टेयरिंग है यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया स्टेयरिंग साथ में आ रहा है, छोटा स्टेयरिंग है, और गाड़ी हम एक बार आपको स्टार्ट कर देते हैं और इसी में आपको सारी डिजिटल यहाँ पर जो 5 इंच बाई 5 की LCD स्क्रीन आपको यहाँ पर साथ मिली, प्रेशर बार्स, ओडोमीटर, ट्रिप की जानकारी, DEF की डिटेल्स और कौन सा यहाँ पर मोड लगा हुआ है, अभी हैवी मोड के यहाँ पर डायपर लगी हुई है गाड़ी,
आरपीएम मीटर, टेम्परेचर मीटर, किलोमीटर पर आर, फ्यूल मीटर, सब आपको यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगा। यहीं पर आप आगे वाइपर्स यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी के यहीं से डंडी से, और साथ में हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स आप यहीं से दे सकती हो। और साथ में मेन बात आ जाएगी ईज़ ऑफ पैडल, बहुत ही ईज़ ऑफ पैडल बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी में। यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आप ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच को यहाँ पर दबा पाते हैं। और इस गाड़ी में आपको काउल में तो यहाँ पर ब्लोअर मॉडल ही मिलता है, यहाँ पर ब्लोअर्स लगा हुआ है यहाँ पर सामने डैशबोर्ड पर। और अगर आप एसी लगवाना चाहते हैं तो एसी भी यहाँ पर काउल में भी यहाँ पर फिट हो जाता है, तो आप मुझे साथ में बता सकते हैं। जब बॉडी बनाएंगे तो एसी आपने फिट कराना है तो एसी भी लग जाता है। और साथ में जो कंपनी कैबिन है उसमें एसी और नॉन एसी आपको मॉडल्स दोनों ही मिल जाते हैं। और ये था इस गाड़ी का फुल डिटेल व्यू। अगर आपको 49-25 का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना, और साथ में हमारे YouTube प्लस Facebook चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।